हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे हार्ट की स्टोरी, हमारे दिल की स्टोरी। हमारे दिल का जो काम होता है ना, वो सिर्फ बातें दिल पे ले लेना या फिर छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाना और दिल से रोना, दिल से दोस्ती करना, दिल से प्यार करना, तो ये सारे काम दिल के नहीं होते। हमें ये लगता है कि ये सारे काम दिल से जुड़े हुए हैं। कि कहा जाता है ना कि तुम तो मुझसे दिल से प्यार ही नहीं करती, तुमने तो कभी दिल से ये रिश्ता निभाया ही नहीं, तुम क्या जानो कि दिल को कैसा लगता है। तो दिल को कुछ नहीं लगता, क्योंकि दिल का काम इन सारी चीज़ों को फील करना है ही नहीं। ठीक है, दिल का काम सिर्फ ब्लड को सप्लाई करना है पूरे बॉडी में। इसके अलावा इसका और कुछ फील करने का काम नहीं है, कोई बात इसका दिल पे लेने का काम नहीं है, कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी दिल नहीं निभाता है। तो ये आप छोड़ दें कि ये सारे जिम्मेदारी दिल निभा रहा है। हमने दिल के नाम पे वैसे ही बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल के जिम्मे ये सारे, इनमें से कोई भी काम नहीं है हमारे दिल के जिम्मे, सिवाय ये कि ब्लड को पूरे जिस्म में सप्लाई करना। ठीक है, तो तुम लोग को ये बात तो सिंपल सी समझ आ गई होगी कि इस बेचारे को हमने बिला वजह में ऐवे ही दूसरों के फड्डों में उलझा के रखा हुआ है। यानी अगर कोई किसी के साथ फेयर नहीं है, तो हम कहते हैं यार तुम्हारा तो दिल ही ख़राब है, तुम तो दिल से ही काले हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बेचारे को वैसे ही हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झमेलों में, फड्डों में फंसा के रखा हुआ है। वैसे ये सारे इसके काम है नहीं, जो हम ढिंढोरे जिसके पीटते रहते हैं। ठीक है, तो असल टॉपिक बात है, तो ये इसका काम है क्या, कैसे ये अपना काम करता है, क्या करता है, तो इसको हम अच्छी तरह समझते हैं आज। ठीक है, तो स्टोरी शुरू होती है एक पावर हाउस से। ठीक है, ये हार्ट क्या है समझ लो, एक पावर हाउस है। हार्ट को अभी बिल्कुल भूल जाओ, अभी हम क्या कर रहे हैं, पावर हाउस की स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से पावर हाउस की स्टोरी को तुम याद रखो। ठीक है, तो हमारे पास ना एक कहीं दूर एक जगह ना एक पावर हाउस था। ठीक है, एक पावर हाउस था। अब उस पावर हाउस के ना जिम्मे दो काम थे। ठीक है, मोटे मोटे दो काम थे उसके जिम्मे, उस पावर हाउस के जिम्मे। अभी सिर्फ दो काम ही याद रख लो, आगे चल के थोड़ा थोड़ा और भी बताऊंगी, छोटे छोटे और भी ये बहुत सारे काम कर लेते हैं, वो आगे हम कहानी में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ दो काम याद रख लो सबसे बड़े बड़े। अब ये क्या करता है, ये ना पानी सप्लाई करने का काम करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इसी पावर हाउस अपने अंदर ही। ठीक है, सबसे बड़ा काम क्या करता है, ये पानी को सप्लाई करता है। ठीक है, आप इसकी इस पावर हाउस में ना चार कमरे, इस पावर हाउस में चार कमरे होते हैं इसके पास। अब ये पता है क्या करता है, ये जिस इलाके में होता है ना, उस इलाके के हर हर एरिया में ये पानी को सप्लाई करता है। ठीक है, ये अपना फर्ज समझता है कि नहीं, ये मेरे जिम्मे है ये काम, मुझे पानी सप्लाई करना ही है, वरना बच्चे प्यासे रह जाएंगे, पेड़ पौधे वो मर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने पानी सप्लाई नहीं किया, तो उसकी वजह से सूखा पड़ सकता है, कहत पड़ सकता है, बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये इसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है इस अकेले इस बेचारे ने, और ये जिम्मेदारी ये ज़िंदगी भर निभाता है। ठीक है, यू गॉट इट, ज़िंदगी भर ये जिम्मेदारी ये निभाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि चलो ये लीव लेके दो चार दिन की छुट्टी पे चला गया, अब तो मैं पानी सप्लाई कर कर के थक चुका हूँ, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, कुछ दिन के लिए कोई और ये काम संभाल लेगा। नहीं, इसने जिस काम की जिम्मेदारी ले ली है, वो काम यही करता है, यही संभालता है अपनी आखिरी सांस तक। ठीक है, अब ये क्या करता है उस इलाके में ना,
हर जगह जगह कोने कूचे, हर घर में, हर ऑफिस में, हर हॉस्पिटल में, हर क्लीनिंग शॉप्स पे, समझो उस इलाके में ना क्लीनिंग शॉप्स भी होती है, जैसे जहाँ पे अक्सर बहुत चीज़ों की सफाइयाँ हो रही होती है ना, कुछ कहीं पे कुछ केमिकल्स की सफाई हो रही होती है, कहीं पे कुछ की, तो वैसे वैसे वो सारी चीज़ें भी है ना उस एरिया में, हर चीज़ मौजूद है। अब हर जगह ना ये पानी सप्लाई करता है, ठीक है, रोडों में भी पानी सप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ की जो रोड है ना, समझ लो मैं रोड किसे कह रही हूँ, वेन्स वगैरह को मैं कह रही हूँ, रोड, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ठीक है। तो वहाँ के जो रोड है ना, वो ऐसे है कि अगर उसमें उसको पानी से अगर तर नहीं रखा जाएगा तो उस उनमें क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है, वो उनमें क्रैक्स आ सकते हैं, वो सुकड़ के टूट सकते हैं, तो इसलिए उनको नरिश रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रोडों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, हर कोने में, गली में, कूचों में, हर जगह वो क्या करता है, पावर हाउस, वो पानी को सप्लाई करता है, ठीक है। अब वो हर जगह पानी को सप्लाई करता है, और वो उस पानी को सप्लाई करने के लिए जिस मोटर का इस्तेमाल करता है, उस मोटर की बिजली भी खुद ही जनरेट करता है, ठीक है, उस मोटर की बिजली भी ये खुद ही मांग वो बना रहा है, किसी और से नहीं ले रहा, या इसको बाहर से कोई अलग से जनरेटर नहीं लगा के दिया हुआ, अलग से हम इसको वो तार की सप्लाई से बिजली नहीं पास कर रहे, ये वो काम भी ये खुद ही कर रहा है, वाटर भी खुद सप्लाई कर रहा है, बिजली भी ये अपनी खुद ही पैदा कर रहा है। अब ये जो पावर हाउस है ना, इसके घर को हम देख लेते हैं, ठीक है, इसका घर सॉरी इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं बच्चों, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसकी दीवारें कैसी हैं, इसके ये जो चार कमरे हैं, इनके चार कमरों का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना हुआ ये, ठीक है। तो इस पावर हाउस के हम थोड़े से स्ट्रक्चर को देखते हैं, सो हेयर वी आर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी दीवारों की बात करते हैं हम, ठीक है, आउटर लेयर की बात करते हैं। इसकी दीवारों में ना तीन लेयर्स होती हैं, ये जो पावर हाउस है ना, इसकी दीवारों में तीन लेयर्स होती है, समझ लो ब्लॉक से बनाते हो ना दीवारें, ब्लॉक से बनती है दीवारें, तो समझ लो ब्लॉक की तीन लेयर है इस पावर हाउस की दीवारों में, इस पावर हाउस की दीवारों में ब्लॉक की तीन दीवारें हैं, ठीक है। इस पावर हाउस की जो आउटर जो स्ट्रक्चर, आउटर जो स्ट्रक्चर है, ब्लॉक की तीन दीवारें हैं। अब जो सबसे बाहर वाली दीवार है ना, इन दीवारों के भी नाम रखे हुए हैं, ठीक है। अब जो सबसे बाहर वाली दीवार है उसका नाम है एपिकार्डियम, जो बीच वाली दीवार है उसका नाम है मायोकार्डियम, और जो बिल्कुल अंदर वाली दीवार है उसका नाम है, एंड में है तो एंड से एंडोकार्डियम, कोई मुश्किल नहीं है याद रखने में, ठीक है। अब जो बीच वाली दीवार है जिसको हमने मायोकार्डियम कहा, वो एक्चुअली मसल्स की बनी हुई है, इसलिए उसका नाम मायोकार्डियम है। एंड वाली दीवार बिल्कुल एंड में है तो इसलिए इसको एंडोकार्डियम कह दिया, और सबसे बाहर वाली एपी, एपी यानी ऊपर, उसको एपिकार्डियम कह दिया। अब इन दीवारों के दीवारों से पहले ना एक और लेयर है इन दीवारों को भी बचाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, उस प्रोटेक्टिव लेयर को जो दीवारों को भी प्रोटेक्ट कर रही है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसका काम क्या है, उसका काम है शॉक को एब्जॉर्ब करना और फ्रिक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाना, फ्लूड भरा होता है उस पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है, जिसके वजह से शॉक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। और इन लेयर्स का क्या काम है, ये जो तीन दीवारें ब्लॉक की बनी हुई, इनका काम है इस पावर हाउस को प्रोटेक्ट करना, मजबूती देना, एक स्ट्रक्चरल शेप देना, ठीक है। अब आते हैं इस पावर हाउस के कमरों की तरफ, तो ये चार कमरे हैं, ऊपर के दो कमरों को कहा जाता है ऑरिकल, नीचे के दो कमरों को कहा जाता है वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब जो है ना अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम अंदर की, तो जो ऑरिकल्स है ना उनमें सबसे कम प्रेशर पड़ता है, ऑरिकल्स में सबसे कम प्रेशर पड़ता है, और नीचे जो वेंट्रिकल्स, नीचे वाले जो दो कमरे हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पानी का। तो
तो इस वजह से नीचे आपको नजर आ रहा होगा, नीचे की जो वॉल्स है ना वो बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है नीचे की, एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स। नीचे की वॉल्स ज्यादा मजबूत बनाई गई है क्योंकि नीचे वेंट्रिकल्स को प्रेशर ज्यादा झेलना है पानी का, और ये इस पानी के प्रेशर को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सके, इसलिए समझो कि इनकी जो वॉल्स है ना कमरे के अंदर की, उनको आपस में रस्सियों से बांध के रखा गया है, मजबूत मजबूत पिलर्स के साथ रस्सियों से बांध के रखा गया है ताकि इनका स्ट्रक्चर इधर से उधर ना हो पानी के प्रेशर की वजह से। उन रस्सियों को क्या कहा जाता है, उन रस्सियों को कहा जाता है कॉर्डे टेंडन है, ठीक है। कोलेजन की बनी होती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये, हमारे स्किन के नीचे भरा पड़ा है ये कोलेजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और इसका स्ट्रक्चर ही हमारी स्किन को ऐसा रखने के लिए काम आता है, जैसे वक्त के साथ साथ एज ढलती रहती है और ये कोलेजन का स्ट्रक्चर स्किन के नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उन कमरों में मजबूत मजबूत पिलर्स ने इन दोनों कमरों को आपस में रस्सियों से जकड़ के रखा है, जिन रस्सियों को कहते हैं कॉर्डेट टेंडन है, और वो किससे, कोलेजन की बनी हुई है। और समझ लो कि यहाँ पे मेन तीन पिलर्स होते हैं, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में सिर्फ दो पिलर्स होते हैं, ठीक है। इन पिलर्स के साथ फिर दूसरे दूसरे पिलर्स के साथ इन रस्सियों को बांधा गया, तो इन पिलर्स को जो वॉल के साथ अटैच है इनको क्या कहते हैं, इनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम राइट साइड और लेफ्ट साइड को आपस में कंपेयर करें तो राइट साइड की वॉल इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, लेफ्ट साइड की वॉल ज़्यादा थिक है, ज़्यादा मोटी है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल को पड़ने वाला है, तो इसलिए पूरे इस पावर हाउस का जो स्ट्रक्चर है उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे मजबूत कमरा है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत कमरा वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो है रूम नंबर 4 लेफ्ट वेंट्रिकल का कमरा, जो सबसे ज़्यादा मजबूत कमरा है, ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे ज़्यादा मजबूत कमरा इसको क्यों कहा गया है और सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी पे क्यों पड़ने वाला है, तो वो इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट करेगा ना वो कौन करेगा, राइट ऑरिकल करेगा, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, राइट वेंट्रिकल इसी ब्लड को क्या कर देता है, लंग्स के पास भेज देता है ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। आप समझ लो कि ये पावर हाउस क्या करता है, उस पानी को एक दूसरे मेर फैक्ट्री में भेजता है, उस फैक्ट्री में क्या काम होता है, समझ लो उस पानी को साफ करना, उसके अंदर कुछ एसेंशियल चीज़ें मिक्स करना, तो उस फैक्ट्री का ये काम होता है। तो वो फैक्ट्री क्या करता है, उसी पानी के अंदर कुछ एसेंशियल चीज़ें वगैरह मिक्स करके पानी को साफ करके इस लेफ्ट ऑरिकल से अंदर भेज देता है, इस पावर हाउस के अंदर कहाँ से भेजता है, लेफ्ट ऑरिकल के दरवाजे से भेजता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल के दरवाजे से ये पानी आके सीधा कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा ये पानी पूरे एरिया में सप्लाई हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेन काम लेफ्ट वेंट्रिकल का है ना, पूरे एरिया में जो एक्चुअली में जो पानी सप्लाई हो रहा है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल रूम नंबर 4 से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। दोनों ऑरिकल्स में सबसे कम प्रेशर पड़ता है, क्यों, राइट ऑरिकल सिर्फ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और राइट वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको लंग्स तक पहुंचाता है इसी ब्लड को, ठीक है, और लंग्स के पास से वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट ऑरिकल के पास आ जाती है। इस चेंबर से वो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स के पास आई, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पूरे बॉडी में क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, समझ आया। तो पूरे इस पावर हाउस में से सबसे ज़्यादा मजबूत रूम कौन सा हुआ, रूम नंबर 4, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। एक और चीज़ डिस्कस करती चलूँ,
अब जब इस पावर हाउस को बनाया जा रहा था ना, तो इस पावर हाउस के यहाँ पे एक सुराख था, बिल्कुल इस जगह पे। ठीक है, इस जगह को क्या कहते हैं, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं इस जगह को, और नीचे वाली जगह को क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम क्यों कहा, क्योंकि दो ऑरिकल्स के बीच वाली वॉल है ये। इसको इंटर वेंट्रिकुलर क्यों कहा, क्योंकि दो वेंट्रिकल्स के बीच की वॉल है ये। ठीक है, तो बच्चों इंटर ऑरिक्यूलर जो सेप्टम है, इस जगह पे एक सुराख होता है, जब ये पावर हाउस बन रहा होता है ना, उस टाइम ये एक सुराख होता है। तो जैसे ये पावर हाउस बन गया ना, तो अब जैसे जैसे ये पावर हाउस मजबूत होता चला जाता है, थोड़ा एजिड होता चला जाता है, कुछ दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं, तो यूजुअली होना क्या चाहिए, इस सुराख को, इस होल को फिल हो जाना चाहिए, और वो हो भी जाता है। ठीक है, 98 to 99% पावर हाउसेस में ये जो होल है ये फिल हो जाता है, लेकिन कुछ 1 या 2% ऐसे पावर हाउसेस होते हैं जिनमें ये होल फिल नहीं हो पाता, और उसी को हम कहते हैं कि फला बच्चे के दिल में सुराख है। ठीक है, तो सुराख ऐसा नहीं होता कि अचानक से पैदा हो गया, अचानक से बन गया, दिल में कोई छेद ऐसे ही आ गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ भी। ठीक है, तो ये पहले से ही होता है, फीटस स्टेज से ही। तो बच्चे की पैदाइश के बाद इस होल को यूजुअली भर जाना चाहिए, भर जाता है, लेकिन कुछ एक केसेस में ये नहीं भर पाता, और उसी को हम कहते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है। ठीक है, तो अब ये जो पावर हाउस है वो पूरी ज़िंदगी एक बार बनने के बाद से ही कैसे बिना रुके काम कर रहता है, अब ये थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं बच्चों। तो ये ना एक कार्डियक साइकिल के थ्रू काम करता है, ये जो पावर हाउस है ना, जैसे हम किसी स्पेसिफिक टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं, है ना, किसी शेड्यूल के हिसाब से, किसी रूटीन के हिसाब से चलते हैं, तो ये जो पावर हाउस है ना, ये कार्डियक साइकिल के थ्रू चलता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हार्ट का साइकिल, हार्ट का पूरा एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अब ये जो हार्ट का पूरा एक कंप्लीट साइकिल होता है, ये 0.8 सेकेंड का होता है। ये पूरा हार्ट का एक साइकिल कितने का होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। अब इस पूरे 0.8 सेकेंड में ना ये काम नहीं करता पूरे पूरे टाइम, ये क्या करता है, आधे टाइम ये काम करेगा और आधे टाइम ये आराम करेगा। जिस आधे टाइम ये काम करेगा 0.4 सेकेंड, उस टाइम को कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी कि कंप्लीट रेस्ट। इस 0.4 सेकेंड के वक्त ये क्या करता है, ये पूरा कंप्लीट रेस्ट की कंडीशन में होता है, और बाकी के 0.4 सेकेंड ये क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। जब इसके जो ऑरिकल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उनको कहते हैं ऑरिक्यूलर सिस्टोल, जो कि सिर्फ 1 सेकेंड का होता है, और जब वेंट्रिकल्स काम कर रहे होते हैं ना, इसके नीचे के दो कमरे, तब उनको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो सिर्फ 3 सेकेंड का होता है। तो कुल मिला के 4 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो 4 सेकेंड ये काम करता है और बाकी के 4 सेकेंड ये आराम करता है। तो इसका इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारा दिल है, जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन स्टॉप पूरी ज़िंदगी काम करता है, नॉन स्टॉप तो काम करता है, उसके साथ साथ ये आराम भी कर रहा है। ये जितना टाइम काम कर रहा है, ये उतना ही टाइम साथ में आराम भी कर रहा है। तो इससे एक ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में ये नहीं कि सिर्फ काम के पीछे लगे ही रहे, रगड़ते ही रहे अपने आप को, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, अपनी प्रॉपर डाइट का भी ख्याल रखना है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं हो कि अगर एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो बच्चों आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हो, पढ़ ही रहे हो, ना पी रहे हो, ना खा रहे हो, ना सुकून से सो रहे हो। अगर प्रॉपर आपको नींद नहीं मिली ना, तो यकीन करो कि जो कोई भी आपने पढ़ा है ना, वो ठीक तरह से आपके जहन में सेव भी नहीं हो पाता। मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत होती है, मुझे प्रॉपर नींद तो चाहिए ही होती है। मैं 4-5 घंटे सोकर मैं पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, मुझे एक प्रॉपर नींद चाहिए होती है, उसके बाद ही जाके मुझसे याद हो पाता था, उसके बाद ही जाके मुझे सारी चीज़ें समझ आती थी, सारे काम मुझसे हो पाते थे। अगर मेरी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती थी ना,
तो समझ लो वो पूरा दिन ही मेरा वेस्ट हो जाता था, मुझसे कुछ याद नहीं होता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम करने के लिए ना हर चीज़ को बैलेंस रखना पड़ता है, अपनी डाइट को भी, अपनी नींद को भी, अपनी हेल्थ को भी। ठीक है, तो मिलती हूँ एक और स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।